वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट अ टॉपिक ऑफ क्लास 9 फिजिक्स विच इज वर्क। ओके, इन आवर डे टू डे लाइफ द वर्ड वर्क मीन्स एनी काइंड ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी हम मेंटल या फिजिकल वर्क करते हैं अपने डेली लाइफ में, that is known as work. For example, we say that we are doing work while reading a book, cooking a food, walking on the road or anywhere with the box, pushing a wall of a house but fail to do so. In all these cases, either mental or physical activity is involved. ये जितने एग्जाम्पल मैंने दिए इसमें या तो फिजिकल एक्टिविटी हो रही थी या तो मेंटल एक्टिविटी हो रही थी। बट इन फिजिक्स द टर्म वर्क हैज इंटायरली ए डिफरेंट मीनिंग। फिजिक्स में अगर फिजिक्स की लैंग्वेज से देखा जाए तो इससे ये पता चलता है कि आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं इन सारी एक्टिविटीज में। इन ऑल एवर मेंशनड एग्जांपल नो वर्क इज डन इन टर्म ऑफ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आप 50 केजी के कोई सीमेंट की बोरी लेकर अपने सिर पर खड़े रहिए आधे घंटे तक, आप पसीने से तर बतर हो जाएंगे, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो चलिए समझते हैं कि फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क की क्या मीनिंग है। साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क, वर्क की जो साइंटिफिक डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, सुनिए। वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इफ द फोर्स अप्लाइड काजेज ए डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी और द ऑब्जेक्ट। फिजिक्स तभी वर्क मानेगा जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और वह ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए, यानी किसी और पोजीशन पर चला जाए। जब तक वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगा तब तक फिजिक्स के लैंग्वेज में आपने कोई वर्क नहीं किया, यानी फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यह ऑब्जेक्ट ए है, सेम ऑब्जेक्ट है, नाम मैंने दूसरा दे दिया है ए ऑब्जेक्ट, यहाँ बी ऑब्जेक्ट। ए ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया गया और फोर्स लगाकर इसे डी डिस्टेंस पर शिफ्ट कर दिया गया। तो अब देखिए यहाँ फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए यहाँ पर वर्क माना जाएगा। इन अदर वर्ड्स द कंडीशंस विच मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द वर्क डन इज, कौन कौन सी कंडीशन है जो मस्ट बी सेटिस्फाइड कि आप ये कह सकें कि मैंने काम किया इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो आपकी कंडीशंस हैं ए फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी, पहली चीज किसी बॉडी पर एक फोर्स काम करना चाहिए। दूसरा द बॉडी मस्ट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, यानी कि फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होना चाहिए। दैट मीन्स वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इफ द फोर्स अप्लाइड काजेज ए डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट होना ही चाहिए, तभी आपका माना जाएगा कि वर्क हुआ। ओके, नेक्स्ट फैक्टर्स ऑन विच वर्क डन डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वर्क को अफेक्ट करते हैं। पहला द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फोर्स, जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे वर्क उतना ज़्यादा होगा। एंड सेकेंड थिंग द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मूव्स वाइल द फोर्स इज अप्लाइड, कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ अपने इनिशियल पोजीशन से, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है वर्क।
यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्क है फोर्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्प्लेसमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो भी वर्क ज़्यादा होगा, और अगर चेंज इन पोजीशन ज़्यादा हुआ तो भी वर्क ज़्यादा होगा। ओके, एंड नो वर्क इज डन इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो देखिए वर्क भी जीरो हो जाएगा। ओके, और एक चीज अभी भी बताया मैंने, वर्क डन डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा वर्क। कुछ एग्जांपल्स किस केस में तब हम कहेंगे वर्क हुआ, तो उसको भी सुन लीजिए। वर्क इज डन व्हेन ए बॉक्स इज ड्रैग्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। इन दिस केस फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉक्स टू ड्रैग इट। अगर किसी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ड्रैग करा रहे हैं तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। एंड द बॉक्स मूव्स थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। और जो बॉक्स है एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट हो गया तो फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, इसलिए इस केस में वर्क होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। वर्क इज डन व्हेन ए बॉक्स इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड टू सम हाइट। जब आप गेहूं की बोरी को मान लीजिए जमीन पर से ऊपर की तरफ उठाते हैं, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सैक, सैक मीन्स बोरी, झोला, ठीक है। उस गेहूं की बोरी पर आपने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर आ गया। बोरी मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस इक्वल टू द हाइट इक्वल थ्रू विच इट इज लिफ्टेड। जब आप गेहूं की बोरी को उठाते हैं तो आपने फोर्स अप्लाई किया और वो नीचे से आपके सिर तक या कंधे तक उठकर चली गई, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन में चेंज हुआ तो वहाँ वर्क होगा। वर्क इज डन व्हेन वी हिट ए फुटबॉल। इन दिस केस व्हेन वी हिट द फुटबॉल, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फुटबॉल एंड द फुटबॉल ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस बिफोर लैंडिंग ऑन द ग्राउंड। जब आपने फुटबॉल को किक किया यानी आपने फोर्स अप्लाई किया, और जब फोर्स अप्लाई किए तो फुटबॉल एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव कर गया यानी उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई, तो इस केस में भी वर्क हुआ। तो इस तरह के बहुत से केसेज आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं, बहुत से एग्जांपल्स हैं वर्क के जहां पर हम फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, वर्क डन बाई ए कॉन्स्टेंट फोर्स। वर्क को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है, अभी जैसा मैंने पीछे बताया वही, कि इस कार को फोर्स लगाकर देखिए एस डिस्टेंस इसकी पोजीशन चेंज कर दी गई, पहले इस पोजीशन पे थी अब इस पोजीशन पे है, तो यानी फोर्स भी अप्लाई हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स एफ पुशेज ए कार थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट एस। तो वर्क क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, आपको पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है कि स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं और वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी ज़रूरी होता है, जबकि स्केलर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, और यूनिट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और डिस्टेंस की मीटर, तो न्यूटन मीटर, या फिर वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल, ठीक। जो वर्क की यह एसआई यूनिट जूल दी गई है, द यूनिट ऑफ वर्क जूल हैज बीन नेम्ड इन द ऑनर ऑफ ए इंग्लिश फिजिसिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल। एक साइंटिस्ट थे, उनका ये टाइटल था जूल, उन्हीं के सम्मान में इसका एसआई यूनिट वर्क का जूल रखा गया। इंग्लिश फिजिसिस्ट, उनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल, फिजिक्स के बहुत
जाने माने साइंटिस्ट हैं, उनके सम्मान में वर्क की एसआई यूनिट जूल रखी गई, क्योंकि उन्होंने वर्क को डिफाइन किया था। एक और बात कि बार बार यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वर्ड आ रहा है, तो यहाँ लीनियर मोशन की बात हो रही है। लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है, इसीलिए कहीं डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं और कहीं डिस्टेंस भी वर्ड यूज हो रहा है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वर्क डन बाई ए कॉन्स्टेंट फोर्स, वही केस है, किसी फोर्स द्वारा किसी कब वर्क डन होगा। लेकिन जैसे लीनियर डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है या राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तब तो हम यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। जैसे लीनियर डायरेक्शन में अगर फोर्स हम लगाते तो जितना डिस्प्लेसमेंट होता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम कर लेते। लेकिन यदि फोर्स किसी एंगल पर लग रहा है, देख रहे हैं थीटा, इसे कहते हैं थीटा, रिप्रेजेंट करता है एंगल को, कि जैसे ये देखिए 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 80 डिग्री पे फोर्स लगाया जा सकता है। तो अगर फोर्स किसी एंगल पर लगे तब हम कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। द वर्क डन बाई ए कॉन्स्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मूव्ड मल्टीप्लाइड बाई द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए बच्चों, ये थीटा वर्ड आपके लिए नया है, लेकिन ये थीटा केवल एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये साइन, कॉस और टेन, ये तीन वर्ड आपको मैथ में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो देखिए, ये जो फोर्स लग रहा है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा, ठीक है। तो हमको चूंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लेना है फोर्स का। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए एफ कॉस थीटा है, तो इसीलिए हम देखिए डिस्प्लेसमेंट डी की जगह डी कॉस थीटा हमने लिया, ठीक है। एफ जो फोर्स का यहाँ क्या था, फोर्स एफ सीधे ले लेते थे, लेकिन जब एंगल पर लग रहा है फोर्स तो हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं एफ कॉस थीटा इंटू डी। तो इसको सही करके लिखेंगे तो आएगा एफ डी कॉस थीटा। एक और खास बात यहाँ देखिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ज़्यादा डिटेल में तो आप 12th में 11th में इसके बारे में जानेंगे, लेकिन इतना जानिए कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट यहाँ हुआ है और स्केलर क्वांटिटी रिजल्ट में हमको मिलती है। फिलहाल आपको ये मैं बता रहा था कि अगर फोर्स किसी एंगल पर काम कर रहा है, आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स किसी एंगल पर लगा रहे हैं, तब फिर हम जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा फोर्स का उसको लेंगे एफ कॉस थीटा इंटू जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा वो डी। तो एफ कॉस थीटा इंटू डी, और इसे जब रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा एफ डी कॉस थीटा। यह फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो कि वर्क से रिलेटेड होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, वर्क पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, तीनों तरह के वर्क होते हैं। कैसे पॉजिटिव वर्क कब होगा, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर गया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो वो वर्क क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव वर्क। यानी कि ऑब्जेक्ट्स एनर्जी इंक्रीजेज, ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ जाए आपके फोर्स लगाने से। जैसे स्पीड अगर आप बढ़ाते हैं तो उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट बढ़ेगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। हाइट इंक्रीज होगी, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठा रहे हैं तो जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ तो ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, पोजिशन चेंज हो रही।
तो इस तरह के वर्क को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तो इस तरह के वर्क को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क। जैसे यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अगर एंगल के आधार पर समझें तो देखिए दोनों के बीच जीरो एंगल होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, यानी दोनों के बीच में जीरो एंगल होगा। चलिए एंगल के आधार पर अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स पॉजिटिव वर्क के देखते हैं। When a coolie lifts a box from the ground to put it on his head, जब कोई कूली बॉक्स को नीचे से उठाकर अपने सिर पर रखता है, ठीक, तो वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। क्यों? इन दिस केस कूली अप्लाइज द फोर्स ऑन द बॉक्स, कूली ने बॉक्स पर फोर्स लगाया, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर उठाने के लिए उसने फोर्स लगाया, एंड द बॉक्स इज ऑल्सो डिस्प्लेस्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉक्स पर फोर्स लगाया गया यानी ऊपर की ओर, तो बॉक्स ऊपर की ओर शिफ्ट भी हुआ, यानी उसकी पोजीशन भी चेंज हुई उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा था। इसी तरह इन ए टग ऑफ वार, जो रस्सी का खींचा, रस्सा कस्सी वाला गेम होता है टग ऑफ वार, द वर्क डन बाई ए विनिंग टीम इज पॉजिटिव। क्यों? विनिंग टीम द्वारा जो वर्क डन हुआ वो पॉजिटिव हुआ। क्यों भाई? द विनिंग टीम अप्लाइज ए फोर्स ऑन द रोप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द रोप इज ऑल्सो डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। भाई सभी लोग मिलकर विनिंग टीम के मेंबर अपनी तरफ खींचे, फोर्स लगाए रोप पर और सभी लोगों को अपनी तरफ खींच ली, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो गया, इसलिए यहाँ वर्क डन पॉजिटिव होगा। आई होप दैट दीज एग्जाम्पल्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव वर्क। और कॉन्सेप्ट केवल बहुत सिंपल सा है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तब तो वर्क पॉजिटिव वर्क होगा। अब निगेटिव वर्क क्या है भाई? पॉजिटिव वर्क का अपोजिट, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी आप फोर्स किसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस तरह के वर्क को हम क्या कहेंगे, निगेटिव वर्क। कैसे? ऑब्जेक्ट्स एनर्जी डिक्रीजेज, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ऑब्जेक्ट की एनर्जी फोर्स लगाने के कारण डिक्रीज हो रही है, जैसे स्लो डाउन, जब हम ब्रेक लगाते हैं, अब भाई कार आगे बढ़ रही है लेकिन हम उसके ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो भी कार अभी आगे बढ़ रही है, तो फोर्स आप अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा, तो यहाँ का वर्क होगा निगेटिव वर्क। हाइट डिक्रीजेज, जहाँ पे फोर्स आप जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट हो रहा है, तो इस तरह के केसेज में निगेटिव वर्क कहा जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स इनके देख लेते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल है, वेन एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड अपवर्ड टू ए सर्टेन हाइट देन द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट इज निगेटिव। भाई आप जब बॉक्स को उठा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो बॉक्स का वेट किधर काम कर रहा है? ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट का जो वेट है, वेट भी फोर्स ही होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नीचे की तरफ काम कर रहा है और आपने ऑब्जेक्ट को उठाकर पोजीशन बी पे कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए इस डायरेक्शन में हो रहा और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इधर लग रहा है, ठीक है। तो जब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट हो रहा है, तो इस तरह के वर्क को हम क्या कहते हैं, निगेटिव वर्क कहते हैं। वही एग्जाम्पल है जो पॉजिटिव वर्क में मैंने दिया था, लेकिन पॉजिटिव वर्क में क्या हो रहा था कि आप मस्कुलर फोर्स लगा रहे थे और ऑब्जेक्ट को उठाकर अपने सिर पर रख रहे थे, तो जिधर फोर्स लगाए थे उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी हुआ था, इसलिए वहाँ पॉजिटिव वर्क हुआ।
लेकिन यहाँ पे हमने फोर्स में आपका मस्कुलर फोर्स नहीं लिया, ग्रेविटी ले लिया, वेट आपका। तो वेट नीचे की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ लग रहा, तो इस केस में क्या होगा, निगेटिव वर्क, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। इसी तरह इन टग ऑफ वार गेम में जो विनिंग टीम थी उसने पॉजिटिव वर्क किया था, लेकिन लॉजिंग टीम के बारे में क्या, जो टीम हार गई उसके बारे में आपने नहीं सोचा। इन ए टग ऑफ वार द वर्क डन बाय द लॉजिंग टीम इज निगेटिव, क्यों, क्योंकि द लॉजिंग टीम अप्लाइज ए फोर्स ऑन द रोप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बट द रोप इज डिस्प्लेस्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। भाई लॉजिंग टीम ने फोर्स तो अपनी तरफ लगाया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी सभी के सभी लोग लॉजिंग टीम के जो भी हैं मेंबर और रोप, वो विनिंग टीम की तरफ डिस्प्लेस हो गई। तो देख रहे हैं लॉजिंग टीम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही, पीछे की तरफ। वेल लॉजिंग टीम इधर की तरफ फोर्स लगा रही है, अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन विनिंग टीम के वजह से ये सब के सब इधर डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इस तरह के वर्क को हम क्या कहेंगे, निगेटिव वर्क। नाउ आई होप दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव वर्क इज ऑल्सो क्लियर नाउ। यानी कि अगर आपके अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो निगेटिव वर्क होगा। बात कर लेते हैं जीरो वर्क के बारे में भी, कि जीरो वर्क कब होगा। अप्लाइंग ए फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई कीजिए और वह मूव नहीं कर रहा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो भाई तो भी वर्क डन जीरो ही होगा। भाई वर्क डन का हम फार्मूला जानते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चाहे एफ इनटू डी लिखिए चाहे एफ इनटू एस लिखिए। तो जब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं फोर्स लगाने पर, तो यस जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह जीरो, और मल्टीप्लाई जब भी किसी नंबर में या किसी चीज़ में जीरो से करते हैं तो रिजल्ट भी क्या होता है, जीरो। जैसे कि अगर किसी दीवार को आप फोर्स लगाइए वाल पर, ठीक है, घर की अपनी दीवार पर फोर्स लगाइए और वाल जो है मूव ही नहीं होगी, उसकी पोजीशन ही नहीं चेंज होगी। तो जब पोजीशन नहीं चेंज होगी, पोजीशन चेंज इन पोजीशन जीरो होगा, तो वर्क डन भी तो जीरो होगा भाई। तो एक केस तो ये है वर्क डन जीरो होने का। दूसरा, अप्लाइंग ए फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हैं, उसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो भी वर्क डन क्या माना जाएगा, जीरो। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि ऐसा कब होगा। When a stone attached to a string is rotated in a horizontal circular path, the force acting on the stone is always towards the center of its circular path. देखिए भाई, अगर आप किसी स्ट्रिंग में, किसी धागे में पत्थर का या कोई टुकड़ा बांध लें और फिर उसे ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में सर्कुलर पाथ पे मूव कराएं, तो जो फोर्स है वो सेंटर की ओर लग रहा है और मोशन जो है इस सर्कल के टेंजेंशियल पाथ पर मूव करेगा ऑब्जेक्ट। तो यानी कि फोर्स आपके फिंगर की ओर लग रहा है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री बन रहा है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच राइट एंगल बन रहा है। तो इस तरह के वर्क डन को हम जीरो वर्क कहेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर किसी बॉक्स को मान लीजिए किसी लीनियर पाथ पे हम मूव करा रहे हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान, तो ऑब्जेक्ट ऑफ वेट देखिए नीचे की ओर काम कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और वेट के बीच राइट एंगल है 90 डिग्री, तो इस मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, जीरो।
किसी ऑब्जेक्ट पर उसके वेट के कारण वर्क डन क्या होगा? जीरो, क्योंकि आप लीनियर पाथ पे ले जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ मूव करा रहे हैं, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है लेकिन उसका वेट नीचे की ओर लग रहा है, तो वेट के कारण जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? जीरो वर्क डन होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यानी कि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो भी वर्क डन जीरो होगा। अब देखिए एंगल के आधार पर एक बार फिर से पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क डन को समझा दे रहा हूँ शॉर्ट में, कि एक कांस्टेंट फोर्स एफ कैन डू पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन एफ एंड द डिस्प्लेसमेंट एस। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है उससे डिपेंड उस पर डिपेंड करता है कि वर्क पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा या जीरो। तो कैसे? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0 से 90 यानी 90 से कम है, 0 से बड़ा और 90 से डिग्री से कम है, तब वर्क डन पॉजिटिव हो। यदि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम है तो वहाँ पर वर्क डन क्या होगा? निगेटिव वर्क डन। और यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यानी राइट एंगल है यानी परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के, तो वहाँ पे वर्क क्या होगा? जीरो। अब ये एंगल का वैल्यू आप कैसे याद रखोगे? तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक एंगल चार्ट दिया हुआ है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। वैसे तो आपको केवल कॉस थीटा से मतलब है अभी इस लेवल पर, क्योंकि हमारे फार्मूले में आता है W इज इक्वल टू एफ कॉस एफ डी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें याद होनी ही होनी चाहिए। बाकी आप इन तीनों की साइन थीटा की वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू भी याद कर लेंगे तो आपको मैथ में काम आएगा। अब जैसे देखिए कॉस थीटा यानी अगर थीटा की जगह जीरो डिग्री है, जीरो डिग्री का मतलब यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में लग रहा, तो कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू वन हो गया तो W इज इक्वल टू एफ इंटू डी आ जाएगा। अगर मान लीजिए 30 डिग्री पर वर्क कर रहा है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच 30 डिग्री है, तो थीटा जगह हम 30 डिग्री लेंगे और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू। इसी तरह कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है वन अपॉन रूट टू, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वन अपॉन टू, और कास 90 देखिए। अब देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है एफ डी कॉस थीटा, लेकिन 90 डिग्री पे यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जीरो, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? यहाँ जीरो रखेंगे तो सबका सब जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री होगा। तो इसी तरह कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस वन, यानी कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं यानी कि फोर्स इधर काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ऑब्जेक्ट में, तो दोनों के बीच देखिए 180 डिग्री का एंगल बनेगा और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस वन, तो जब यहाँ माइनस वन रखेंगे तो पूरा का पूरा निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए वर्क डन उस केस में क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इस चार्ट को याद रखिए ताकि आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकें। बच्चों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। देखिए यूनिट के बारे में पीछे बताया हूँ, फिर से थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हम जानते हैं W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, तो F की यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो एक यूनिट तो हो गई न्यूटन मीटर और दूसरी यूनिट हो गई जूल। आप लोगों को बताया था मैंने कि जूल क्यों इस कई ऐसा यूनिट है वर्क की, क्योंकि ये एक फिजिसिस्ट थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उनके सम्मान में
वर्क की एसआई यूनिट जूल रखी गई है, बाकी इसकी कुछ बड़ी यूनिट्स भी होती हैं, 1 किलो जूल, 1 मेगा जूल, 1 जीगा जूल, तो ये याद कर लीजिएगा आप। आगे देखते हैं, द मीनिंग ऑफ वर्क, वर्क इज डन बाय फोर्स दैट चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में पोजीशन में चेंज लाता है तो हम कहते हैं वर्क हुआ है। तो यहाँ पे आपको 1 जूल की डिफिनीशन बताने के लिए ये स्लाइड यूज किया हूँ, ये बनाया गया है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगाकर उसे 1 मीटर डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर दें, 1 न्यूटन फोर्स लगाकर 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर दें फोर्स की ही डायरेक्शन में, तो वहाँ पे जो काम किया गया वो कितना होगा, 1 जूल। ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ओवर 1 मीटर डज 1 जूल ऑफ फिजिकल वर्क। ऐसा है कि कभी कभी 1 जूल का डिफिनीशन आपके एग्जाम वगैरह में आ जाता है, तो आप सिंपल डिफिनीशन लिखेंगे कि इफ 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, देन द वर्क डन विल बी 1 जूल।